नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो गाइज, हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े न्यूज, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर वन गाइज, शार्दुल ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्यों एमएस धोनी के रिटायरमेंट के बाद इंडिया टीम की बॉलिंग इनकंसिस्टेंट हो गई है। तब शार्दुल ठाकुर ने रिप्लाई देते हुए कहा कि सब एमएस धोनी को मिस करते हैं, क्योंकि धोनी के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो 300 प्लस ओडिया खेले हैं, वो 90 प्लस टेस्ट मैचेस खेले हैं, और इतना एक्सपीरियंस प्लेयर मिलना काफी डिफिकल्ट होता है टीम के लिए, और हम वैसे भी काफी क्रिकेट खेले हैं एमएस धोनी के साथ, इसलिए हम उन्हें काफी मिस करते हैं। और अगर बॉलर के कंसिस्टेंसी की बात करें तो जो दूसरे टीम के बॉलर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा रन लीक करते हैं इंडिया में आने के बाद। अगर आप T20 सीरीज देखोगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और आप इंडिया के बॉलर्स को क्रिटिसाइज करोगे तो आपको साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को भी क्रिटिसाइज करना होगा, क्योंकि वो सीरीज हम जीते हैं और वैसे भी इंडिया एक भी वन साइडेड मैच नहीं हारी है। इंडिया के बॉलर्स को रन पड़ते हैं तो दूसरे टीम के बॉलर्स को भी रन पड़ते हैं। शार्दुल ठाकुर ने आगे कहा कि आप हम पर सवाल उठाने से पहले चेक करो कि मैच की कंडीशन कैसी थी, पिच कैसी बिहेव कर रही थी, बॉलर को कितनी मदद थी। जितने भी मैच हाई स्कोरिंग होते हैं वो बहुत कम वन साइडेड होते हैं। एज अ टीम हम हमेशा अच्छी फाइट देते हैं और वैसे भी हम ज्यादा मैचेस जीते हैं चाहे कहीं भी खेले, और इसलिए मुझे लगता है कि टीम में काफी कंसिस्टेंसी है। नंबर टू गाइज, इंडिया के फॉर्मर प्लेयर सवा करीम ने शिखर धवन को लेकर कहा कि शिखर धवन की 2023 के ओडिया वर्ल्ड कप में जगह फिक्स है, क्योंकि शिखर धवन ये ओडिया क्रिकेट में इंडिया के बेस्ट प्लेयर है, और शिखर धवन 10 मैचेस में से सिर्फ एक या दो मैचेस में ही रन नहीं बनाते, बाकी वो कंसिस्टेंट प्लेयर है। और मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्टर ने सोच लिया है कि रोहित शर्मा और शिखर धवन ये ओपन करेंगे इंडिया के लिए 2023 के ओडिया वर्ल्ड कप में। सभा करीम ने आगे शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या को लेकर कहा कि शार्दुल ठाकुर ये काफी यूजफुल प्लेयर है, लेकिन हार्दिक पांड्या ये बैटिंग ऑलराउंडर है और शार्दुल ठाकुर ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, इसलिए दोनों में काफी डिफरेंस है, और मुझे नहीं लगता कि शार्दुल ठाकुर ये इंडिया के थर्ड या फिर फोर्थ सीमर हो गए व्हाइट बॉल क्रिकेट में। अगर शार्दुल ठाकुर अच्छी बैटिंग करके दे तो फिर वो वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 में हो सकते हैं एज अ थर्ड सीमर। नंबर थ्री गाइस, सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मैं काफी एक्साइटेड हूँ फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन अटेंड करने के लिए, कैसा फील होता है। वैसे फर्स्ट नेट सेशन ये अमेजिंग था, जिससे फील हुआ कि क्या पेस है विकेट की, क्या बाउंस है पिच पर, मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और इसके साथ मुझे एटमोस्फियर में खुद के नर्व्स कंट्रोल करने होंगे और साथ साथ मुझे मेरा रूटीन भी फॉलो करना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव ने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड के डायमेंशन थोड़े अलग होते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि गेम प्लान बनाना कि रन कहाँ बनाने हैं। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।